दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये नीम का पत्ता है और आज हम इस नीम के सूखे हुए पत्ते के विशेष जो है गुणों के बारे में जानने वाले हैं कि आप इसको जो है कैसे अपने पौधों में किसी भी प्लांट में एक कीटनाशक के रूप में या फिर खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आम का पौधा मैंने लगा के रखा है और इस पर जो है कि फूल आ रहे हैं आम के। बसंत का मौसम शुरुआत हो चुका है और बहुत ही ये आम जो है कि लगभग 4 से 5 फीट का है और इस आम में, इस छोटे से आम में जो है कि इतनी सारे फूल आए हुए हैं। दोस्तों, इसके जो थाले हैं इसमें जो है कि इस नीम के पत्ते को मैं इसके किनारे किनारे रख देता हूं। जो मैंने इसकी मेड़ बनाई हुई है, इसकी मेड़ के किनारे किनारे मैं नीम के पत्ते को रख दूंगा। नीम का पत्ता, इससे क्या होगा, ये तो एक कीटनाशक का काम करेगा और दूसरा ये कि एक खाद का काम करेगा। ऐसे रख करके इसको जो है ऊपर से जो है मिट्टी से ढक देंगे तो जो है धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर के फुल्ली डिकम्पोस्ट हो जाएगा और एक कीटनाशक का बहुत ही अत्यधिक यानी कि जैविक एक तरीके से एक कीटनाशक काम करेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और खाद का भी काम करेगा, यानी कि दो काम ये एक साथ कर सकता है। वैसे नीम के पेड़, चाहे उसकी छाल हो चाहे पत्ता हो, हर एक चीज़ बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि नीम में एंटीबायोटिक तत्वों से जो भरपूर होता है। नीम को सर्वोत्तम औषधि के रूप में माना गया है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक तत्वों से नीम जो है एकदम से परिपूर्ण होती है। यह स्वाद में भले ही कड़वा लगता है लेकिन इसमें इसके जो लाभ होते हैं वो किसी अमृत से कम नहीं होते हैं। वैसे नीम के पास आपकी हर समस्या का इलाज है, चाहे आप किसी पौधे को या फिर प्लांट को लगाते हैं तो उसमें जो है कीट वगैरह लग जाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हर एक प्लांट में जो है इसको जो है, मेरे पास एक नीम का पेड़ है, मैंने लगा के रखा है और वो उसके पत्ते जो है कि झड़ रहे हैं तो मैं इन पत्तों को कलेक्ट करके इकट्ठा करके जो है अपने प्लांटों में, जो बड़े बड़े प्लांट हैं मेरे, उसमें लगा देता हूँ और उसकी मेड़ के किनारे किनारे रख करके उसमें मिट्टी से उसको दबा देता हूँ तो वो फुल्ली जो है डिकम्पोस्ट भी हो जाता है, एक औषधि का काम करता है। नीम का फल, बीज, तेल, पत्ता, जड़ और छिलका, ये बीमारियों से लड़ने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। नीम के पत्तों में ज़बरदस्त औषधि गुण पाए जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त औषधि गुण पाए जाते हैं नीम के पत्तों में दोस्तों। इसीलिए जो है कि मैं इस नीम के पत्ते को जो है कि अपने हर एक प्लांट में डिकम्पोस्ट करके खाद का भी यूज़ करूँगा और जो है कीटनाशक का। धीरे धीरे इस तरीके से आप जो है मेड़ पर रख करके आप इसको जो है इस मिट्टी को आप किनारे पे धीरे धीरे ढक दीजिएगा इसके पत्तों को। वो जो है पत्ता लगभग 15 से 20 दिन में धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि एक खाद का भी काम करेगा और आपके जो प्लांट लगे हैं, चाहे वो आम के पेड़ हो, अमरूद के पेड़ हो या फिर कोई भी प्लांट हो, उसमें धीरे धीरे वो ग्रोथ भी करेगा और उसके बाद उसमें कीटनाशक का भी काम करेगा। यानी कि हर एक चीज़ से ये आपको बचाएगा, कोई भी कीट हो, पतंग हो, उससे जो है कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से बचाएगा। दोस्तों, आप इसको यूज़ अगर नीम के पत्ते को इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको जो है कि सूखे हुए पत्ते को जला दीजिए। जलाने के बाद उसकी जो राख होती है उस राख को भी आप इसके पौधे के थाले में या फिर पौधे की जो भी मेड़ बनाई हुई है आपने उसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो है दोस्तों आप नीम के पत्ते को यूज़ करके कीटनाशक के रूप में और खाद के रूप में, दोनों के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं किस तरीके से अपने थालों में इस नीम के सूखे हुए पत्तों का यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और जो है एक औषधि गुणों वाला पत्ता, साथ ही साथ खाद और जो है एक कीटनाशक के रूप में इस नीम के सूखे हुए पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने